हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं मुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ के 10 महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। एक बार फिर मुगेली पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुए संतूलाल सोनकर। पुलिस रायपुर में करती रही उसका इंतजार और उसके स्थान पर उपस्थित हुए उसके पुत्र। पद पर लौट रही निलंबन की तलवार। देखिए रिपोर्ट। मुगेली नगर पालिका अध्यक्ष विवाद में नाटकीय घटनाक्रम का अंत होता नजर नहीं आ रहा। सोमवार को मुगेली नगर पालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर को नगरीय प्रशासन विभाग में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना था, लेकिन शुक्रवार को हाईकोर्ट से भी उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद यह माना जा रहा है कि वह मंत्रालय में उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी गिरफ्तारी संभव थी। मुगेली में फर्जी नाली निर्माण के नाम पर 13 लाख रुपए का भुगतान मामले में 6 आरोपी बनाए गए हैं। उसमें प्रमुख नगरपालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद से वह फरार चल रहे हैं। पहले सत्र न्यायालय और फिर हाईकोर्ट भी उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके समक्ष अधिक विकल्प नहीं बचे हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार वे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच उन्हें नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से 13 सितंबर को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश मिला था। इस उद्देश्य से उनके पहुंचने की उम्मीद लेकर मुगेली से संजीव ठाकुर की अगुवाई में पुलिस की एक टीम मौके पर तैनात थी। अगर संतूलाल सोनकर वहां पहुंचते तो उन्हें पुलिस जरूर गिरफ्तार कर लेती। उम्मीद के अनुरूप संतूलाल सोनकर इस बार भी दगा दे गए और वे नगरी प्रशासन विभाग में जवाब देने नहीं पहुंचे। इसी कारण उनके स्थान पर पुत्र शिवासी सोनकर उपस्थित हुए। नियम अनुसार क्या पिता के स्थान पर पुत्र के द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करना विधि सम्मत है। और आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। खतरे में छत्तीसगढ़ का खजुराहो। गोरमदेव मंदिर की दीवारों से पानी रिस रहा, गर्भगृह तक पहुंचा बारिश का पानी, बर्तन से भरकर निकाल रहे पुजारी, एक और न्यू विधसी। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहे जाने वाले कवर्धा स्थित गोरमदेव मंदिर के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। मंदिर की दीवारों से बारिश का पानी रिस रहा है। यह रिसाव इतना ज्यादा है कि मंदिर के गर्भगृह तक यह पहुंच गया है और पुजारियों को बर्तन के माध्यम से इसे बाहर निकालना पड़ रहा है। वही मंदिर की एक और की नींव भी धस गई है। खास बात यह है कि इसकी जानकारी जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग को भी है, लेकिन उनकी ओर से मंदिर की सुरक्षा को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। और अब आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के नदी में समा गई दो जान। दोस्तों के साथ नहाने गया युवक तेज बहाव में बहा, इलाज करा के लौट रही महिला भी डूबी। कई घंटे बाद भी दोनों का कुछ पता नहीं। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बेमेतरा में अलग अलग इलाके में 2 लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। बताया गया है कि मंगलवार की सुबह अपने दोस्तों के साथ नहाने गया युवक सुरही नदी में बह गया। वहीं सोमवार की शाम अपने परिवार के साथ इलाज कराकर लौट रही महिला नर्मदा नदी पर बने रपटे को पार करते समय बह गई। अब SDRF की टीम दोनों की तलाश करने रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। कई घंटे बीत जाने के बावजूद दोनों का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। और अब आज की चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। भारी बारिश का कहर, महानदी की बाढ़ में फंसे 8 ग्रामीणों को बचाया गया। गोबरा नवापारा की कई बस्तियां हुई खाली। रायपुर में 144 मकानों को हुआ नुकसान। छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश से आई बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। रायपुर में 144 मकान ढह गए। सबसे अधिक नुकसान गोबरा नवापारा में हुआ। वहां की कई बस्तियों को खाली करा लिया गया है। अबनपुर के पास महानदी की बाढ़ में फंसे 8 ग्रामीणों को SDRF की टीम बचा कर लाई है। अबनपुर के लखना कोलियारी गाँव के बीच महानदी में बाढ़ आने से टापू की स्थिति बन गई है। और आज की पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं। 11 लाख पोस्ट कार्ड में लिखेंगे आभार मोदी जी। PM के जन्मदिन पर CG भाजपा जनाधार दिखाने की कोशिश में। यहां से लाखों शुभकामनाएं संदेश दिल्ली भेजने की तैयारी। विधानसभा के पिछले चुनाव में सत्ता से सीधे 15 सीटों पर सिमट गई छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जनाधार दिखाने की तैयारी की है। इसके लिए भाजपा नेता छत्तीसगढ़ से 11 लाख पोस्ट कार्ड पर शुभकामना और आभार लिखवा कर प्रधानमंत्री को भेजने की तैयारी में है। यही नहीं, भाजपा युवा मोर्चा को 5 लाख स्मार्टफोन में नमो ऐप इंस्टॉल कराने की जिम्मेदारी भी मिली है। भाजपा कार्यालय एकात्म
परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा था, नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। तब से लेकर 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने और आज तक के 20 वर्ष का कार्यकाल वास्तव में सेवा और समर्पण का प्रतीक है। रमन सिंह ने यह भी कहा कि भाजपा के नेतृत्व में 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक के बीच दिन के समय को सेवा और समर्पण के रूप में ही मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। और अब आज की छठी बड़ी खबर की बात करते हैं। रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे नंबर 30 पर लैंडस्लाइडिंग। पहाड़ी काट कर नई बनाई गई चरामा घाट की सड़क पर चट्टान गिरने से बड़ा हादसा टला। सड़क बंद, आवाजाही के लिए पुराना मार्ग खोला गया है। कांकेर जिला में लगातार हो रही बारिश के चलते रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे नंबर 30 पर बुधवार की दोपहर चरामा घाट में लैंडस्लाइडिंग हो गई। बताया जा रहा है कि जिस समय लैंडस्लाइड हुआ उस समय घाट के कई वाहनों की आवाजाही हो रही थी। इस बीच एक कार ड्राइवर भी बाल बाल बचा है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है जहां लैंडस्लाइडिंग हुआ है। वहीं पहाड़ी को काट कर नया रास्ता बनाया गया था, आवाजाही के लिए अब पुराने रास्ते को खोल दिया गया है। और आज की सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। रायपुर में पिता की डांट से नाराज बेटा 4 महीने से अलग रह रहा था, वापस लौटा तो फिर हुआ विवाद। राजधानी रायपुर में फिर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। इस बार आपसी विवाद में एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। बताया गया है कि आरोपी का अपने पिता से विवाद चल रहा था, जिस वजह से पिता उसे रोज डांट फटकार लगाते थे। इसी बात से नाराज होकर आरोपी पिछले 4 महीने से अपने पिता से अलग रह रहा था, लेकिन वो देर रात को फिर अपने घर लौटा। इस बीच बाप बेटे में फिर विवाद हो गया और गुस्साए बेटे ने कुल्हाड़ी से कई बार कर पिता को मार डाला। वारदात को अंजाम देकर आरोपी भाग गया। यह पूरा मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है। और अब आज की आठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। बिलासपुर के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के कर्मचारी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला फिर खुला। एसीबी ने बंद कर दी थी फाइल। बिलासपुर जिले के स्पेशल कोर्ट ने नगर और ग्राम निवेश विभाग की तैनात अनुरेखक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। विशेष कोर्ट का कहना है कि जांच में आवेदन के पास आय के हिसाब से अधिक संपत्ति है, इस आधार पर अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। खास बात यह है कि आय से अधिक संपत्ति में एसीबी ने जांच के 1 साल बाद फाइल बंद कर दी थी, लेकिन सबूतों के साथ मिली एक शिकायत के बाद केस को फिर खोला गया है। और अब आज की नवी बड़ी खबर की बात करते हैं। धर्मांतरण पर बोले आबकारी मंत्री। कवासी लखमा ने कहा, आदिवासियों का घर जलाने वाले हम पर आरोप लगा रहे हैं, मुद्दों से ज्यादा भटकाने भाजपा झूठा हल्ला मचा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में इन दिनों धर्मांतरण का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है। अब आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा के आरोप पर पाटवार किया है। कवासी लखमा ने कहा है कि बस्तर के लोग बहुत सीधे हैं, धर्मांतरण को लेकर भाजपा झूठा हल्ला कर रही है। यहाँ के लोग सब समझते हैं, हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है। अगर किसी को जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है तो वो गलत है। और अब आज की दसवीं और अंतिम बड़ी खबर की बात करते हैं। किसान महापंचायत को सीएम का समर्थन। भूपेश बघेल ने कहा, किसान आंदोलन को राहुल गांधी ने शुरू किया, अब किसान नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो उनका स्वागत तो होगा। छत्तीसगढ़ के राजिम में 28 सितंबर को प्रस्तावित किसान महापंचायत का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा, किसान नेता यहां आ रहे हैं, उनका स्वागत तो होना ही चाहिए। अगर वे लोग समर्थन मांगते हैं तो निश्चित रूप से समर्थन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दुर्ग के उदयी रवाना होने से पहले रायपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था उसको सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने शुरू किया। पंजाब और हरियाणा में उन्होंने ट्रैक्टर से यात्राएं की। प्रियंका गांधी ने भी लगातार उत्तर प्रदेश और राजस्थान में किसान महापंचायत की। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया है। किसान नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो उनका स्वागत जरूर होगा। तो ये थे छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण खबरें। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर। मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल हमें दीजिए विदा। नमस्कार।